नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। इराक में 39 भारतीयों की मौत पर संसद में तीखी बहस। इराक में IS आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए 40 भारतीयों में से 39 की हत्या किए जाने के मुद्दे पर आज संसद में तीखी बहस हुई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार से इस मामले पर स्थिति साफ करने की मांग की। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बात की पुष्टि करने से इनकार करते हुए कहा कि यह न कहें कि भारतीय मार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं कह सकते कि वे मारे गए या जिंदा हैं, लेकिन उनके जिंदा होने की 1/50 संभावना के चलते भी हम उनकी तलाश में रात दिन एक किए हुए हैं। कश्मीर में भीषण बर्फबारी, राजमार्ग बंद। कश्मीर घाटी को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को बर्फबारी और खराब रास्ते के कारण बंद कर दिया गया है। 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह के सोनमर्ग जोजीला द्रास क्षेत्र में गुरुवार शाम हुई भारी बर्फबारी के कारण राजमार्ग के दोनों तरफ ट्रक और तेल टैंकरों समेत हजारों वाहन फंसे हुए हैं। दूसरी ओर उत्तर रेलवे ने सर्दियों में पड़ने वाले कोहरे के मद्देनजर कुछ ट्रेनों का संचालन रद्द करने के आदेश जारी कर उनके आरक्षण 31 दिसंबर से 15 फरवरी तक बंद कर दिए हैं। इनमें महानंदा एक्सप्रेस और लिच्छवी एक्सप्रेस भी शामिल हैं। सूत्रों ने बताया है कि कोहरे की वजह से पटरियों पर कम गाड़ियां खड़ी हों, इस वजह से रेलवे ने 30 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। अरबपति निकला नोएडा अथॉरिटी का चीफ इंजीनियर। उत्तर प्रदेश आयकर विभाग ने नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर यादव सिंह के 20 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में चीफ इंजीनियर के घर के बाहर खड़ी कार से 10 करोड़ रुपए नकद, घर से 100 करोड़ के हीरे के जेवरात और ऑडी कार बरामद की है। इस छापेमारी में अरबों रुपए का प्लाट घोटाला और करोड़ों की टैक्स चोरी का मामला भी उजागर हुआ है। गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में यादव के 20 ठिकानों पर आयकर विभाग की 20 टीमों ने एक साथ छापा मारा। समधि बनेंगे मुलायम सिंह और लालू यादव। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। दरअसल मुलायम के पोते तेज प्रताप की लालू की छोटी बेटी राजलक्ष्मी के साथ शादी होने वाली है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह रिश्ता पक्का माना जा रहा है। दोनों की सगाई दिसंबर में होगी और शादी फरवरी में। तेज मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार।